नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज है डबल हेडर्स का दिन, एक दोपहर में मैच है चेन्नई और एमआई का, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है आप चैनल पे जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। 3-4 प्लेयर आज के मैच में फ्लोप होने के चांसेस है उस मैच में, तो वो भी वीडियो आ चुका है, आप देख लीजिए। और ये जो दिल्ली और आरसीबी का मैच है ये इवनिंग में खेला जाएगा, रात को 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा, अरुण जेटली स्टेडियम पे होगा। तो क्या कुछ होगा बात करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट, वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, बिकॉज जब आप लोग लाइक करते हैं मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो मजा आता है वीडियो काम करने का। तो सारे लोग लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, टॉस के बाद कोई भी अपडेट आएगी वो आपको मिल जाएगी, इनफैक्ट फाइनल टीम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले वेन्यू अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जाएगा, मिक्सचर ऑफ मैचेस यहाँ पे देखे गए हैं, जहां पे आपको लो स्कोरिंग मैचेस भी दिखे, आपको हाई स्कोरिंग मैचेस भी दिखे। इवनिंग में सेकंड इनिंग्स में ड्यू आने के चांसेस रहते हैं, स्पिनर्स गेम में रहेंगे, आउटफील्ड काफी तेज रहता है, बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है, जिसका बेनिफिट जो बैट्समैन है उनको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्लोअर साइड दिख रही है अरुण जेटली की, वो भी कहीं ना कहीं है, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा उनके लिए। 166 का एवरेज स्कोर है जो कि रहा है। बाकी आप देखोगे लास्ट मैच जो खेला गया था 19 अप्रैल को, 29 को सनराइजर्स ने 197 कर दिए थे, दिल्ली चेज नहीं कर पाया था, 12 में से 7 फास्टर्स को, 5 स्पिनर्स को मिली थी। ये देखोगे 20 अप्रैल को मैच हुआ था, केकेआर ने 127 के, दिल्ली चेज कर गया, 15 में से 5 फास्टर 10 स्पिनर्स। यहां देखोगे ये भी एवरेज था, यहां पे एमआई ने चेज कर लिया, 12 विकेट्स गिरी, 8 फास्टर 4 स्पिनर्स। ये देखोगे तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे 4 अप्रैल के बाद दिल्ली 162, गुजरात ने चेज कर लिया, 12 में से 9 फास्टर 3 स्पिनर्स। लास्ट के कुछ मैचेस में आप देखोगे तो स्पिनर्स गेम में दिखे हैं, यानी कि स्पिनर्स ने अच्छा किया है। यहां पे देखोगे 51 में से 29 फास्टर्स को, 22 विकेट है जो कि स्पिनर्स को मिली है। अब देखिए गुजरात, सॉरी आरसीबी की टीम है, कहीं ना कहीं बढ़िया टीम है, बैटिंग साइड बढ़िया है, तो वो जब पहले बैटिंग करेगी 170 तक पहुंचनी चाहिए। दिल्ली अगर मिचेल मार्श वापस आते हैं तो 160 तक दिल्ली की टीम भी है वो पहुंचनी चाहिए, जिस तरीके के दोनों टीमें खेलती है। बाकी देखिएगा ये माई मास्टर 11 है दोस्तों, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए, जीतना बहुत आसान है। कल भी आपको पता होगा मेरा 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट रहा है, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। ये केवल माई मास्टर 11 का कमाल है, क्योंकि यहां पे आप खेलोगे ना ऐसे ऐसे अपोनेंट मिलेंगे कि आप इजिली जीत पाओगे, तो बढ़िया एप्लीकेशन है, जाके खेलिए। जहां पे आप देखोगे तो 50,000 रुपए का आपको फ्री गिवअवे मिल रहा है, अगर आपके पास खेलने के पैसे भी नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। 1 करोड़ का लीडर बोर्ड चल रहा है, एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ 2 दिन 6 और 7 मई आपको ऑफर्स मिला है, यहाँ पे डिपॉजिट ऑफर आपको मिला है, जहां पे अगर आप 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज का दिन है, कल का दिन है, डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डिपॉजिट करो, बिकॉज जब आप खेलोगे तो यहाँ पे मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट लोग नहीं है, जीतने के 90% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो छोटा लीडर बोर्ड है, छोटे लीडर बोर्ड में भी देखो महिंद्रा थार आपको मिल रही है, लीडरबोर्ड भी ऐसा जहां पे कम यूजर है, इन्वेस्ट जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे नहीं खेल रहे, तो छोटे इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे चांस बनता है कि वो लीडरबोर्ड में टॉप कर सकते हैं, तो आपके फायदे की चीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो माई मास्टर 11 को। अब देखिए 81 मैचेस खेले गए, 36 बैटिंग फर्स्ट ने, 45 चेजिंग ने, 166 का एवरेज स्कोर है। यहाँ पे स्कोरिंग देखोगे आपको हर टाइप की स्कोरिंग दिखेगी, लेकिन ये जो स्कोरिंग है इनके बीच की स्कोरिंग मुझे लगता है होनी चाहिए, आप ये ले सकते हो 170 189, बाकी 160-165 भी लग रहा है अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करे। हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे 29 मैच खेले गए हैं, 10 आरसीबी ने, 10 दिल्ली ने, आरसीबी ने 18, आरसीबी यहाँ पे बैटर दिखाया। यहाँ पे आप देखोगे इस सीजन में यहाँ पे ये मैच आरसीबी जीता, 2022 में देखोगे तो यहाँ पे भी आरसीबी जीता। कॉमन प्लेयर्स में इस सीजन में विराट कोहली ने 50 किए थे, 5 फ्लोप थे, यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल भी फ्लोप थे, सिराज को 2 विकेट थी, यहाँ पे देखोगे विजय कुमार 3, डेविड वार्नर फ्लोप थे, मार्श 2 विकेट निकाली थी, मनीष पांडे ने 50 किए थे, अक्षर पटेल बेहतर थे, कुलदीप यादव को 2 विकेट। लास्ट सीजन में देखोगे विराट फ्लोप थे, ग्लेन मैक्सवेल ने बढ़िया किया, दिनेश कार्तिक ने बढ़िया किया, मोहम्मद सिराज 2 विकेट, हेजलवुड को 3, डेविड वार्नर यहाँ पे अच्छे थे 66 के, मार्श फ्लोप थे, अक्षर पटेल एवरेज थे,
कुलदीप यादव एवरेज थे, खलील अहमद को एक विकेट। तो यहां पे ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने लास्ट के कुछ मैचेस खेले, तो यहां पे परफॉर्म किया है जब भी हेड टू हेड खेलते हैं, ध्यान में रखना। पावर प्ले क्या कहता है, देखिए पावर प्ले उतना बढ़िया घटा नहीं है। आप अगर रिसेंट की मैचेस की बात करते हैं, यहां आपको विकेट्स दिखेगी। फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा लास्ट के दो तीन मैचेस में स्ट्रगल किया है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उस टीम ने पावर प्ले में स्ट्रगल किया है दिल्ली की पिच पे, अरुण जेटली पे। बाकी यहां पे भी देखोगे आपको विकेट्स दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पे भी तीन विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, यहां दो यहां तीन। तो जो टीम पहले बैटिंग की थी उसने कहीं ना कहीं स्ट्रगल है आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ग्रैंड लीग में प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं दिल्ली की। डेविड वार्नर देखिए उतना शानदार ये सीजन रहा नहीं, स्टार्ट काफी बढ़िया था, यहाँ पे लगातार अच्छा किया था, लास्ट के दो तीन मैच डेविड वार्नर के लिए उतने बढ़िया नहीं गए। फिलिप शार्ट एक मैच यहाँ ठीक था, बाकी उतना बढ़िया नहीं था। मनीष पांडे यहाँ आए थे, बढ़िया किया था, उसके बाद उतना खास नहीं है। रायली रोशो के लिए आईपीएल बकवास जा रहा है। प्रियम गर्ग उतना इंपैक्ट नहीं है। अक्षर पटेल लगातार अच्छा कर रहे हैं, बैट हो या फिर बॉल हो। अमान खान लास्ट मैच को निकाल दो तो उतना बढ़िया नहीं थे। रिपल पटेल उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। ईशांत शर्मा ठीक ठाक कर रहे हैं। कुलदीप यादव ने लगभग ठीक किया है, आपको विकेट्स दिखेगी। एनरिक नोर्जे का भी आपको है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखेगा, जहां पे एनरिक नोर्जे, ईशांत शर्मा ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। फुल स्टैट्स की बात करते हैं तो यहां पे डेविड वार्नर 20 मैच 39 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे देखोगे 27 का एवरेज रहा है। गेम चेंजर कैप्टन आपके लिए बनेंगे, जी हां मिचेल मार्श है, सॉरी यहां पे जो डेविड वार्नर है ये गेम चेंजर कैप्टन आपके लिए बन सकते हैं। फिलिप शार्क देखोगे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे दो मैच में 32 का एवरेज है, गेंद प्लेयर बढ़िया है। थोड़ा सा सिराज से इनको दिक्कत हो सकती है, जी हां मोहम्मद सिराज से दिक्कत हो सकती है। मनीष पांडे 21 मैच 18 का एवरेज, वेन्यू देखोगे 13 मैच में 21 का एवरेज। कहीं ना कहीं अगर आप इस प्लेइंग 11 में देखोगे तो कहीं ना कहीं बैटिंग बनती है, मनीष पांडे की टीम में जगह बनती है। रायली रोशो हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे एक मैच में 0 रन है। रायली रोशो गेम चेंजर प्लेयर रहेंगे, या फिर रायली रोशो की जगह है वो मिचेल मार्श भी वापस आ सकते हैं। तो मिचेल मार्श आए तो कैप्टन, अगर रायली रोशो खेलते हैं तो गेम चेंजर प्लेयर रायली रोशो आज बन सकते हैं। प्रियम गर्ग 3 मैच 11 का एवरेज, वेन्यू पे देखोगे एक मैच में 12 का एवरेज है, उतने इंपैक्टफुल है वो रहे नहीं है। अक्षर पटेल 18 मैच 10 का एवरेज, 19 विकेट है, वेन्यू पे देखोगे 14 मैच में 11 विकेट है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी बढ़िया डिफरेंशियल कैप्टन बन सकते हैं, जहां पे आपको बैटिंग दे रहे हैं, जहां पे आपको बॉलिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पे भी आप चांस लीजिएगा एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बाकी अमान खान है, एक मैच 18 रन किए, हेड टू हेड दो मैच में 4 का एवरेज है। वेन्यू पे अमान खान उतने इंपैक्टफुल दिखे नहीं है, लास्ट मैच में ऑफकोर्स रन किए थे। रिपल पटेल का भी आप देख लो 7 रन हेड टू हेड में, 11 रन है वो वेन्यू पे, मुझे उतना खास नहीं लगते। ईशांत शर्मा 14 मैच 11 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 10 में 13 ठीक ठाक है, बट शायद मैं ईशांत शर्मा को ड्रॉप करके चलू। कुलदीप यादव 8 में 6 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 8 मैच में 7 विकेट। कुलदीप यादव देखिए अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो ईशांत शर्मा रख लेना, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो कुलदीप। एनरिक नोर्जे 4 मैच 7 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 4 मैच में 4 विकेट है, तो नोर्जे यहां पे बनते हैं। बाकी इंपैक्ट में कौन आ सकते हैं, यहां पे पृथ्वी शो ये सीजन उतना बढ़िया रहा नहीं है, बट शायद इनको यूज किया जाए। मिचेल मार्श वापस आते हैं तो ध्यान में रखना, अच्छा किया है। खलील अहमद को ये यूज कर सकते हैं एज ए इंपैक्ट प्लेयर, और ये डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। बाकी यहां पे बात करते हैं आरसीबी, फाफ डुप्लेसी लगातार अच्छा किया है। फाफ डुप्लेसी ने आप देख सकते हैं लगातार आपको परफॉर्मेंस दिखेगी, सबसे हाईएस्ट रन गेट स्कोरर भी है। और विराट कोहली ठीक ठाक कर रहे हैं, विराट कोहली का भी आप देख सकते हैं। अनुज रावत उतना इंपैक्टफुल नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल के लिए ये सीजन उतना बढ़िया नहीं गया, एक इस इनिंग्स को निकाल दो, एक इसको निकाल दो। महिपाल लोंगरोड के लिए उतना बढ़िया नहीं गया। दिनेश कार्तिक फ्लोप चल रहे हैं आप देख सकते हैं। प्रभु देसाई उतने इंपैक्टफुल नहीं हो गए। हसरंगा एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बनेगी, विकेट्स निकाली है। करण शर्मा ने भी विकेट्स निकाली है। उसके अलावा हेजलवुड लास्ट मैच में आई 2 विकेट निकाली, ऐसी वेन्यू पे बढ़िया कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज लगातार विकेट्स निकाली है मोहम्मद सिराज ने, जहां पे हेजलवुड और जो मोहम्मद सिराज है वो आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, और पावर प्ले में भी आपको यही गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। पांचवा या छठा ओवर आपको हसरंगा के हाथों दिख सकता है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, देखिएगा फाफ डुप्लेसी 16 मैच 23 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे देखोगे 4 मैच में 30 का, दोनों जगह ठीक ठाक है। काफी लोग इनको भी सीबीसी करेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप फाफ डुप्लेसी को सीबीसी से ड्रॉप कर सकते हो, कुछ टीमों में आप ड्रॉप करके भी जा सकते हो। विराट कोहली
27 मैच 36 का एवरेज है, टू हेड वेन्यू पे देखोगे 9 मैच में 47 का एवरेज है वो वेन्यू पे रहा है। ध्यान में रखना कुछ टीमें बनाना जहां पे आप इन दोनों को फ्लोप करके जाओ या फिर एक को जाओ, और स्मॉल लीग में भी आप ये चांस ले सकते हो। अनुज रावत 2 मैच 7 का एवरेज है, वेन्यू पे देखोगे नहीं खेले, मुझे उतना इंपैक्टफुल नहीं लगते। ग्लेन मैक्सवेल 13 मैच 17 का एवरेज 2 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 10 का एवरेज 3 विकेट। देखिए गेम चेंजर पिक आपके लिए बन सकती है एज ए कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल, तो ट्राई करना ग्लेन मैक्सवेल को। महिपाल लोमरोड 4 मैच 13 का एवरेज, वेन्यू पे देखोगे 1 मैच में 8 रन की है, उतना मुझे इंपैक्टफुल लगे नहीं है। दिनेश कार्तिक 23 मैच 23 का एवरेज है, वेन्यू पे देखोगे 28 मैच में 22 का, फर्स्ट बैटिंग के दौरान अगर ग्रैंड लीग में लेना चाहो ले सकते हो। बाकी देखोगे प्रभु देसाई 1 मैच 6 रन, वेन्यू पे नहीं है, मुझे उतना इंपैक्टफुल नहीं लगते हैं, तो मैं बात करके वो वीडियो बड़ा नहीं करूंगा। हसरंगा 2 मैच 2 विकेट है, वेन्यू पे नहीं है, हसरंगा को मैं अपनी टीम में रखूंगा। करण शर्मा 9 मैच 7 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 3 मैच में 4 विकेट। देखिए इनका सिलेक्शन दिखेगा बट चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। जो सैजलवुड 4 मैच 6 विकेट, वेन्यू पे देखोगे नहीं खेले हैं, जो सैजलवुड को मैं अपनी टीम में रखूंगा। सिराज 11 मैच 16 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 2 मैच में 3 विकेट। अगर आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, सिराज इंपोर्टेंट रहेंगे, अगर आप सिराज पे चांस लेना चाहो तो अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करे उस वक्त आप लोग सिराज पे चांस ले सकते हो। इंपैक्ट में देखोगे हर्षल पटेल का यूज करते हैं ये इंपैक्ट में, उसके अलावा फिन अलैन को रखते हैं, सहबाज को रखते हैं, ब्रेसवेल को मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं खिला रहे, क्योंकि बहुत शानदार प्लेयर है। बाकी यहाँ पे देखोगे आप प्लेयर्स बैटल में डेविड वार्नर को किससे दिक्कत हुई है, मैक्सवेल को ठीक खेले हैं, सिराज को बढ़िया खेले हैं, विजय कुमार हसरंगा को देखोगे तो हसरंगा को भी बढ़िया खेले, एक बार विकेट है लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़िया, पार्नेल को भी, तो डेविड वार्नर सभी गेंदबाजों को बढ़िया खेले हैं। फिलिप शाल्ट का देखोगे ग्लेन मैक्सवेल के सामने स्ट्रगल है, हर्षल के सामने एक बार, हसरंगा के सामने एक बार, मनीष पांडे करण शर्मा के सामने 2 बार बढ़िया खेले हैं, मैक्सवेल के सामने एक बार, हेजलवुड एक बार, सहबाज एक बार, हसरंगा के सामने एक बार, रायली रोशो करण शर्मा के सामने एक बार, अक्षर पटेल विजय कुमार के सामने एक बार, पानल के सामने एक बार, प्रियम गर्ग करण शर्मा के सामने एक बार। उतने इंपैक्ट देखिए कुछ खास नहीं है बट उनका ध्यान में रखना। बाकी यहां से आप देखोगे इसका स्क्रीनशॉट रखना, आप लोग ध्यान में रखना। फाफ डुप्लेसी अक्षर पटेल 3 बार, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, नोर्जे के सामने 2 बार ये फंसा सकते हैं, खलील के सामने एक बार बढ़िया खेले, मार्च के सामने एक बार, मुस्ताफिजुर के सामने एक बार। विराट कोहली का देखना, नॉर्जे के सामने 2 बार यहां पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, अक्षर पटेल के सामने एक बार, खलील के सामने एक, कुलदीप को बढ़िया खेले, ललित यादव नहीं है, मार्च के सामने ठीक खेले, मुस्ताफिजुर के सामने बढ़िया खेले, कोई मैचअप नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल अक्षर को बढ़िया खेले, कुलदीप के सामने स्ट्रगल किया, स्ट्राइक रेट बढ़िया है लेकिन स्ट्रगल है, विकेट दिए। प्रभु देसाई 1 बार, दिनेश कार्तिक अक्षर के सामने 2 बार बढ़िया खेले, ईशांत के सामने स्ट्रगल दिखा है, मार्च के सामने स्ट्रगल दिखा, कुलदीप के सामने स्ट्रगल दिखा, मुस्ताफिजुर के सामने 1 बार विकेट है लेकिन ठीक ठाक खेले। महिपाल लोमरोड 1 बार है वो ईशांत के सामने, 1 बार मार्च के सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टीम मैंने कैसी बनाई, मैंने फिलिप शाल्ट को रखा, डेविड वार्नर कैप्टन, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया ड्रॉप के लिए क्या कर सकते हो। रायली रोशो अक्षर, ग्लेन मैक्सवेल, हसरंगा, नोर्जे, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। ध्यान में रखना आप सिराज की जगह हेजलवुड, हेजलवुड को मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर पहले बॉलिंग नहीं कर रही है सिराज की टीम तो उस वक्त आप सीधा सीधा हेजलवुड के साथ जा सकते हो, बाकी इसमें कुछ चांसेस पॉसिबल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।